देख तू समझ नहीं रहा है, भुजिए से बेटर ना कुछ नहीं होता है। हाँ पर भेल से मुकाबला थोड़ी ना कर सकता है, पर हेल्दी तो मखाने ही होते हैं। इसे ना डिफेक्शन कहते हैं। क्या इंडिया में इतने ही इजीली एमएलए पार्टी बदल सकते हैं? हिस्ट्री देख लेते हैं। हरियाणा बना 1966 में और 1967 में होते हैं वहां के पहले जनरल इलेक्शन, और गयालाल नाम की वहां पे एक एमएलए इलेक्ट होते हैं। इलेक्ट होने के कुछ घंटों बाद ही वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, फिर कुछ घंटों बाद वो यूनाइटेड फ्रंट कोअलिशन ज्वाइन करते हैं, और उसके कुछ देर बाद वो फिर से कांग्रेस में चले जाते हैं। तो 9 घंटे में गयालाल ने 3 बार पार्टी शिफ्ट की, और तब से जब भी कोई लीडर पार्टी शिफ्ट करता है, पार्टी हॉप करता है, तो उसके लिए एक फेमस वन लाइनर आया राम गया राम यूज किया जाता है। इसके बाद 1985 में राजीव गांधी की पार्टी 404 सीटों से मेजोरिटी में आती है, और फिर से कोई डिफेक्शन ना हो जाए इस डर में वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक अमेंडमेंट बिल पास करते हैं और एक लॉ लेकर आते हैं एंटी डिफेक्शन नाम का। महाराष्ट्र में जो भी हो रहा है, क्या वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है या सिर्फ पार्टीज के लिए, बताना।